आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। बीजेपी ने रविवार को राज्यपाल से मिलकर ये स्वीकार कर लिया है कि शिवसेना की मदद के बिना वो राज्य में सरकार नहीं बना सकती। इससे पहले जब शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस अपना इस्तीफा सौंपने राज्यपाल के पास गए थे, उस वक्त उन्होंने ये भरोसा जताया था कि राज्य में नई सरकार बीजेपी के नेतृत्व में ही बनेगी। उनके इस आश्वासन से उन लोगों को उम्मीद की आखिरी किरण दिखी, जो लोग दूसरी पार्टियों से अपनी अच्छी भरी पोजीशन छोड़कर देवेंद्र फडणवीस के भरोसे पर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब जब ना तो बीजेपी की सरकार बनने का कोई चांस दिखाई दे रहा है और ना फडणवीस के फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोई आस दिखाई दे रही है, ऐसे में दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए नेता खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। वो बीजेपी से भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है उनका। बीजेपी और शिवसेना के बीच संबंध के बिगड़ने से सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो बेचारे चुनाव से ठीक पहले ये सोचकर बीजेपी में आए थे कि बस अब तो बीजेपी ही बीजेपी है। बीजेपी ने भी चुनाव से पहले कई बार मेगा भर्ती कर ली, सबको रेवड़ी बांटने का आश्वासन खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया था। अब आपको बता दें, वो नेता जिन्हों को खतरा है, जो दूसरी पार्टी से इस पार्टी में शामिल हो गए थे बीजेपी में, तो बता दें वो थे कुछ ऐसे नेता जो दूसरी पार्टी से आए थे। दरअसल सबसे बड़ी परेशानी तो मुंबई से सटे नवी मुंबई के गणेश नाइक परिवार की है। वे तो पूरा कुनबा और महानगर पालिका ही लेकर बीजेपी में आ गए थे। चुनाव जीतने के बाद राज्य में मलाईदार मंत्रालय मिलने की उम्मीद लगाए बैठे गणेश नाइक अब ताजा हालात में खुद को भगवान भरोसे पा रहे हैं। इसके अलावा विखे का ख्वाब भी अधूरा दिखाई दे रहा है। यहां तक कि कांग्रेस में नेता विपक्ष का पद छोड़कर बीजेपी में मंत्री बने राधा कृष्ण विखे पाटिल भी इस बात को लेकर परेशान है कि अगर फडणवीस चले गए तो बीजेपी में कोई उनको पहचानेगा ही नहीं। इसके अलावा आपको बता दें, कृपा शंकर पर भी खतरा मंडरा रहा है। कृपा शंकर मुंबई के जाने माने और अनुभवी समझने वाले बड़े उत्तर भारतीय नेता कृपा शंकर सिंह की हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। कृपा शंकर सिंह देवेंद्र फडणवीस से नजदीकी रिश्ते की पूछ पकड़कर धारा 370 के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध कर अघोषित बीजेपी को गए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे। चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए फ्रीलांस प्रचारक के तौर पर खूब मेहनत की, लेकिन अब उनको लग रहा है कि अगर वे कांग्रेस में रहते और क्लीना सीट से चुनाव लड़ गए होते तो कम से कम विधायक तो रहते। सिर्फ कृपा शंकर ही नहीं, मुंबई से बीजेपी में गए राजहंस सिंह, चित्रसेन सिंह, रमेश सिंह ठाकुर, जयप्रकाश सिंह सब परेशान हैं कि अब कहां जाएं हम। अगर फडणवीस ही मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनसे किया गया वादा कौन निभाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हर्षवर्धन का हर्ष भी गायब होता लगता है। दरअसल इसलिए कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन पाटिल भी परेशान हैं। वे चुनाव से ठीक पहले इस आस में बीजेपी में आए थे कि मंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी हालात ऐसी है कि इंदापुर से चुनाव हार गए। अब बीजेपी उनको एमएलसी तक नहीं बनाएगी, जबकि कांग्रेस में रहते तो चुनाव जीत सकते थे और विधानसभा में पार्टी का बड़ा नेता या प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी तक संभाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोहित पाटिल वो भी परेशान है अगर मुख्यमंत्री नहीं बने महाराष्ट्र में फडणवीस। आपको बता दें, शरद पवार के खास रामपा से बीजेपी में शामिल हुए अकुलूस के दिग्गज रंजीत सिंह मोहित पाटिल चाह रहे थे कि विधानसभा के बाद उनका पुनर्वास हो जाए। पहले तो विधानसभा या लोकसभा का टिकट तब उनके परिवार को नहीं मिला, अब तो उनको एमएलसी मिलने का भी भरोसा नहीं है। मंत्री पद तो दूर की बात है, ऊपर से शरद पवार से दुश्मनी हो गई है, वो सो अलग। ऐसे में इन पर मुसीबतें छाई हुई हैं। अब आपको बता दें, सतारा का सितारा कब चमकेगा ये भी कहा नहीं जा सकता। दरअसल सतारा के महाराज का तो सितारा ही डूब गया है। वे समझे थे कि बीजेपी से लोकसभा जीतेंगे तो सीधे केंद्र में मंत्री बनेंगे और सबसे बड़े मराठा लीडर कहलाएंगे, लेकिन एनसीपी की सांसद भी गई और अब बीजेपी उनको कुछ देने की हालात में भी नहीं रही।
अब देखने को मिल रहा है जिस तरह से शिवसेना बीजेपी में घमासान चल रहा है, वो दोनों नहीं मान रहे हैं। जहां शिवसेना एनसीपी का साथ लेकर नई पार्टी बनाना चाहती है, वो सरकार बनाएगी दावा किया है। पिछली बार अभी कुछ ही दिनों पहले संजय राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के बिना महाराष्ट्र में सरकार तय नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री तय नहीं हो सकता। उसी को लेकर मैं आपको बता दें कि बीजेपी की हालत खस्ता दिखाई दे रही है, उसपे से उन्हीं के नेताओं का भरोसा उठता जा रहा है, जिसे देखने को मिल रहा है शिवसेना को ज्यादा समर्थन देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, पार्टी नजर आ रही है, एनसीपी कांग्रेस भी शिवसेना का हिस्सा देने को तैयार है। ऐसे में बीजेपी पीछे छूटती जा रही है। अब क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि शिवसेना थामेगी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का हाथ या बीजेपी बाजी मार लेगी। ये देखने के लिए अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन राज्यपाल ने तो देवेंद्र फडणवीस को क्लीन चिट भी ये दे दी थी कि आप अभी कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन उसी को लेकर संजय राउत ने कहा था कि ये आसान नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे ने फैसला नहीं किया है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद पर नहीं आ सकते। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी मुख्यमंत्री पद को हासिल कर पाती है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए SPN9 न्यूज के साथ।